हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी रामनवमी। हैप्पी रामनवमी। तो आज नवरात्रे हो चुके हैं पूरे, सबके फास्ट हो चुके हैं पूरे घर पे। तो मम्मी ने कन्या वगैरह सब जिम्मा दी और अभी ये सब के सब जा रहे हैं मेरे घर पे, मेरे अलावा। तो ये लोग देखो आज प्रॉपर शूट पे लग गए हैं। ये ब्रेकफास्ट भी यहीं पे कर रही है बेड के ऊपर रेडी होते होते। वैसे देखो केक मंगाया, गेस करो वो भी आ गया, वो केक भी आ गया खाने वाला। ये देखो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे का हार्ट वाला केक। अब गेस कर भाई किसका बर्थडे है, किसी लड़की का लेना है किसी ब्रांड का है और लैक में नायका अच्छा नायका वो वीडियो बना रही है ना, उसमें उसके लिए केक मंगाया जैसे है ना नायका इसका बर्थडे, उसका वीडियो बनाने के लिए केक मंगाया है। हां एक ही बात है, कटेगा तो टेक आएगा बस, इसका बाकी तो अपने को खाना है। क्यों कट के ऐसे नहीं खिलाएंगे, कैसे और मोटा हो गया देखो थोड़े दिनों के अंदर। भाई इनको लग रहा है क्योंकि ये जिम जा रहे हैं पतले इसलिए, और तो मैं तो उतना ही हो सकता हूं भैया, ज्यादा मोटा लग रहा है मुझे तो। कल ही वेट ना हो यार, वेट उतना ही होगा लेकिन अब जैसे हाथ कमजोर हो गए तेरे, लेकिन यहाँ का फैट और बढ़ गया। सही चल रही तू, तेरे से फैट वेट की बातें करने का सेंस ही नहीं रहा। तीन साल तो हो गई करते करते इससे बातें। करूंगा करूंगा, मैं एक दिन के तकिए बांध के आ रहा हूँ अंदर, पता नहीं है ना आपको। एक दिन तकिए हटाऊंगा और आपको ऐप दिखाऊंगा, सब हैरान बेहोश। हमारी गाड़ी इतनी फिल हो चुकी है कि अब मीकू और टीपू भैया के लिए जगह नहीं है, दोनों उससे आएंगे कैब से। देखो कितना सुंदर केक मंगाया, अच्छा नहीं दिखा सकती, बाद में दिखाऊंगी। दिखा दिया क्या? अच्छा 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 यार, मेरे बर्थडे पे आया था सुंदर केक, मस्त आया ना ये थीम केक। मेरा मेकअप एकदम अच्छा हो चुका है। मैं मेरी चीज मतलब ऐसे नोटिस किया, जब मैं जल्दी जल्दी मेकअप करती हूँ ना तो ज्यादा अच्छा होता है, पता नहीं सिर्फ मुझे ऐसा लगता है। हो गई, चलो चलो गाइस चलो। अच्छा बाकी लोग तो सब जा चुके हैं मेरे घर पे शूट करने के लिए, अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा हेयर कट और बियर्ड सेट करवाने के लिए, फिर उसके बाद मैं भी घर पे इन लोग को ज्वाइन करने वाला हूँ। चलो लेट्स गो। दोस्तों हेयर कट डन, बियर्ड सेट, और अब मैं आ चुका हूँ घर पे भी। चलो देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे शूट चल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लोजर आ गया यार, टीम यार टाइम लगा रहा है इतना शूट करने में, भयंकर खुशबू आ रही है केक में से, इतनी भयंकर खुशबू। वेट कर रहा हूं मैं सिर्फ, अरे इनके भी खुशबू घुस गई यार केक की, तो शूट नहीं हो रहा इनसे। सुन एक काम कर, पहले खा ले, सुन पहले खा ले, पहले खा ले, शूट तो कर लेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और हमें थोड़ी सी जला के गया था, पर अब क्या करे बुझ गई, तो बोलते उसको वापस भेजा था यार वो, फिर दीदी उसके बिना ही शूट करने लगे, लेट हो रहे थे। हर बार मंगाता हूँ कोल्ड कॉफी है ना, इस बार मेरी बहुत बकवास कॉफी है, उसमें मतलब दूध ही नहीं आया। ये टीपू के होते हुए कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। सही बात है। 3 2 1 स्टार्ट। 3 2 3 2 1 वापस लो, चार चार टेक दिलवाओ। मैंने बस किचन में आके पानी लिया है और मम्मी सो रही थी, चुपचाप से उठ के आ गई, कौन आया घर के अंदर। नहीं तो मैं तो उठ के ही आई थी, उठ के ही आ रही थी। अच्छा तुम्हारी तो पता ही नहीं लगी मुझे तो। आज नींद भाई बहुत आई है। खाना पीना आज व्रत हो गए ना पूरे? हाँ, पर अभी खाना नहीं खाया मैंने। तो फिर कब खाओगी? अब खाऊंगी शाम को, जब तो 9 पूरे होंगे। अच्छा, 9 आज का लास्ट। हाँ जूस मंगा के पिया था, पर है ना आज तो नींद बहुत आई, बहुत कब से उठ रही, हाथ पैर एनर्जी खत्म हो गई है। आज लास्ट लेकिन रेफरी लूंगी भैया, चीटिंग कर लेता है। अरे रेफरी लूंगा मैं, रेफरी कहाँ से कर। नहीं रुको अभी यशी को बुला रहा हूँ मैं। अरे ले आना आज ना, नहीं यशी को बुला, आप चीटिंग कर ले, सीधी कर ले, सीधी सीधे का आप ना पहले ऐसे कर ले तो हल्का सा, मेरे तो फट दिन ऐसे कर दोगे क्या? ले 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 तू कर ले ऐसे, ले ले मैं हाथ ही कह रहा हूँ। ये 2 साल से जिम जा रहा है, इसकी ताकत दिखाता हूँ आपको है ना। और मैं इरेगुलर हूँ जिम वगैरह सब में। अच्छा उससे पहले कितने साल कर लिया आपने? सुन यहाँ रख, सीधा ठीक है, सीधा रख ठीक है। हाँ सही से हाथ पकड़ो, रुको तू पकड़ ले पहले एक बार, ठीक है पकड़ लिया, खुश है अब ले चल, हंसे मत अब लगा जब यार मेरे को हंसी आ जाती है। रेडी? देखो अब टेढ़ा नहीं हो रहा, मेरा कहाँ पर है और आपका कहाँ पर है, मैं तो एकदम सीधा बैठा हूँ, तू फिर मैं ऐसे आऊँ ये तो, फिर तो फिर मैं भी ऐसे आऊँगा, तो ऐसे होना तो ऐसे ऐसे ले। रेडी? 3 2 1 स्टार्ट। 3 देखा 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 देखा, हार गए ना, हार गए ना, जानबूझ के हार गए। चलो लेफ्ट हैंड से आ दो, चलो एक और मौका दिया आपको। देखो अब चीटिंग कर रहे ना, पहले इधर ले जा रहे हैं। अरे ले रहे यार ले, चलो रेडी। 1 2 3
हार गया हार गया और क्या, अभी टच भी नहीं हुआ, टच भी नहीं हुआ था, टच भी नहीं हुआ था, मेरी उंगली कट गई और काय को मिल गई बिना मतलब हार गया, लेफ्ट ही है ये, लेफ्ट ही है, लेफ्ट में हार गया लो, चीटिंग करी इस बार तो आपने, एक बार हार गया वापस आ जा, ले राइट से राइट से आ जा, चलो हां चलो रुको स्टार्ट, ठीक है 3 2 1 थोड़ी गलत फहमी इसकी सारी की सारी दूर, अब ये अब मैं बता दिया, मैं जानबूझ के आ रहा था एक बार बस, और कुछ भी नहीं इसमें, नियत था दम, और 2 साल से डंबल और वो उठा रहा है खूब, कोई फर्क नहीं पड़ा इसका, गाइस मैं तो जानबूझ के आ रहा, 3 बार आ रहा था, 3 बार उससे दो पहले बार, दो बार मैंने भी आ रहा है आपको, उससे पहले तो रिकॉर्ड भी नहीं कराया, 2 बार मैंने, ठीक मैंने कराया ना, हो गया क्या कर रही हो आंटी, कपड़े फिटे बना रही थी बेटा, इसका बैग पैक करा है, आज आप इतनी चमक कैसे रही हो, लाल लाल साड़ी वाड़ी पहन के, नवरात्रा था ना, पूजा करी ने, अच्छा हाँ आज तो लास्ट नवरात्रा था, हाँ भाई हो गया, हाँ मिकू को शादी में जाना, अब आप देखना भैया ने तो चीटिंग कर ली 2 बार मेरे साथ, क्यों इधर हो, हम ना पल्ले लड़ा रहे दोनों, तो ये ना ये ना पहली हाथ ऐसे कर लेता और टेढ़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली फिर तो मैं हारूंगा जब मेरी तरफ ऐसे चल जाएगा, तो तू पहले क्यों करता है, अरे ये जब जीता नहीं जाए तो बहाने ढूंढता है ना इंसान, अच्छा अब करके दिखा दो, दीदी हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए दोनों का, एकदम सीधा, एकदम सीधा, ले इधर कर ले, लेफ्ट से आओ, लेफ्ट से, लेफ्ट तू तो लेफ्ट ही है, आप राइट ही हो, तो अब देखो टेढ़ा हो गया ना वापस, ऐसे कहाँ हो गए, तीन बार हार चुका छुट्टी नहीं करता तू, एक दिन ज्यादा, दो दिन छुट्टी कर ले, डेली जाता हूँ वो तो, अब जा रहा है उम्र में भी तो बड़ा, उम्र में भी, उम्र की बात तो तेरी थोड़ी वैलिड नहीं है पर ठीक है, 4-5 साल का फर्क है इसमें और इसमें, जाते हैं बाय बाय बाय, ओके आंटी बाय बाय बेटा, हाँ जी मैडम शादी में जाना है, अरे यार वो हितेश भी आते ना, तुमको रितेश बोलती है, अनुज का काटा था ना अभी, वो कंफ्यूज है कि भाई किसका बर्थडे बनाया, किसका बर्थडे बनाया 2 मिनट पहले, अच्छा अनुज का तो बस आने वाला है 11 जून का, अप्रैल मई जून अभी तो टाइम है, तो चल चल तू चलते शादी में जाना, चल दोस्त की फ्रेंड की किसी की शादी है, यहाँ पर मीकू को रेडी किया जा रहा है शादी के लिए, सॉरी मतलब शादी में जाने के लिए, बहुत ज्यादा लेट्स हो चुकी है यार, ये ना लाइनर सूखा हुआ है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा लगाना, वो एक तो जो मेरा रियल वाला है वो तो मिल नहीं रहा, उसने अपनी दोस्तों को बोला है कि मैं बस हो गई हूँ, क्या बोलते हैं, रेडी हो गई, निकल गई, बस निकल गई, जब तो रेडी होना शुरू हुई थी ये, देख एक बार मुझे भी गड़बड़ लग रही, क्या करूँ, चल नहीं रहा ना, अब वो दूसरा वाला मिल नहीं रहा, अरे मिल नहीं रहा यार वो, चल रुक 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 रुक, कोई बात नहीं मैं इसको सही कर दूंगी, देखा नहीं नहीं बैठ, मेकअप तो सही लगता ही नहीं, अरे नहीं वो बात नहीं है यार, वो बिंग सही नहीं बैठ रहा, अरे अब मैं क्या करूँ, वेट टिश्यू देना, वेट टिश्यू देना इसमें, सही वाला पूरा मेकअप हटाएगी वापस, ओए अगर पूरा मेकअप हटा, मुझे लगता है तुम फेरों तक पहुंच पाओगे जिस हिसाब से मेरी हरकत, ओहो लो भाई हो गए रेडी, गाइस मैं रेडी हो गया, नहीं मैं रेडी हो गया यार, पागल चिल्लाइए तो चिल्लाइए फिर ऊपर, तू चिल्लाई इसके ऊपर, हां थोड़ा सा, चल कोई बात नहीं, चल जा, ओके गाइस बाय, फिर बाद में क्लास लगाता हूं, वो गिना मत देना खुला है वो, अरे खुला है ये, अभी तक झूठ बोल रही है, गाइस मैं नीचे खड़ी हूँ, मैं कैब के अंदर बैठी हुई हूँ, अभी तक बुक भी नहीं करी, अरे रुक जा भानु छोड़ के आ रहा है, ये तो पता ही था, घर की तरफ निकल रहा है, ये तो पता ही था, ये मैंने नाटक कर दिया, परफ्यूम लगा के आती हूँ फटाफट से, हाँ बास मार रही है, तो दोस्तों जस्ट अभी वर्कआउट करके आए, यशी तो जाके अपने रेस्ट करने लगी, थक गई बहुत ज्यादा, मेरी भी ये गर्मी के अंदर क्या वर्कआउट करने के बाद थोड़ा सर दर्द हो गया, बट अभी हम लोग जा रहे हैं, डॉग्स का फूड हम लोगों ने रेडी कर लिया है, डॉग्स को फूड डालेंगे, नए घर का जो काम चल रहा है वो एक बार चेक करके आएंगे, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखा दूंगा क्या 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 हो रहा है, उसके बाद अंकल आंटी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आज डिस्कशन होगा थोड़ा सा कि क्या कार्ड बटे, क्या प्रोसेस चल रही है इनॉग्रेशन की, कितने दिन बचे मुश्किल से,
आठ दिन बचे, आठ दिन बाद इनॉग्रेशन है और मेरी ड्यूटी ये है कि मुझे कैसे भी करके वो काम पूरा कराना है, इसलिए मैं रात को इतना लेट वहाँ जा रहा हूँ एक बार चेक करने के लिए। तो चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया, उस शेमडी को भी लेकर आना है अभी शादी में से, खा पी तो ली होगी, वो लेकर आना है उसको, जैसे उसका कॉल आएगा वैसे उसको लेते हुए भी आना। तो अभी अपने को एक डेढ़ घंटा लगेगा, आराम से बाहर घूमना है अपने को, ठीक है। देखो ये खड़ी मैडम। गाइस तो हम आ गए हैं, मैं आ गई हूँ जी, मैं ही बहुत ज्यादा खा लिया है? और बहुत खा गई, बहुत टेस्टी खाना था। तू यही पानी पीने की भी जगह नहीं है भाई, मतलब ये तो बहुत मजा है मुझे। मैं देखा बोलेगी यार परेशान हो गए, इतना दूर जाना पड़ा गर्मी में, ये तो मौज काट के आइए भयंकर तरीके से। क्या क्या खाया? और बहुत कुछ खाया, टेस्ट टेस्ट गोलगप्पे खाए, शेक पी, आइसक्रीम खाई, टिक्की भी खा ली, डोसा भी खा लिया। चुप हो जा, डाइट पे हूँ मैं। चलो इसको भी ले लिया है, अभी अपन चल रहे हैं तेरे घर पे, ठीक है। एक बार मेरे घर पे? अरे उस पे तेरे नए वाले घर पे, नए वाले घर पे। अरे हाँ, इसका तो रूम ही नहीं है ना उसके अंदर, शिट भूल गए हम। इग्नोरिंग चैलेंज कर रही हूं। वैसे कमेंट भी आया था, अरे सबका रूम तो हो गया, मीकुड़ी का कहाँ है? तो मीकुड़ी और यशी का वो एक ही रूम होता है, मतलब ये दोनों हमेशा से साथ ही रहती है। तो इनके भाई का तो अलग रूम है, इन दोनों का सेम ही रूम है दोनों का। हम एक ही रूम में रहते हैं, हम अलग रह नहीं सकते। हाँ ये अलग कभी रह नहीं सकते, इन दोनों का वो एक ही रूम होता है। यशी का बोल लो या मीकू का बोल लो, वो दोनों का ये है डबल यूनिट। तो वो सीन है। तो अभी घर पे जाते हैं, आपको थोड़ा बहुत बर्फ भी दिखाते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। ये देख, ये टाइल्स आई हैं आज टेरेस की, ये सोफा बनने की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर, और यहाँ अंदर भी देखें क्या चल रहा है। हाँ यहाँ पर भी सोफा बनने की ही तैयारी चल रही है। अरे सोफा इतना सुंदर, इसे बना गया अभी, ये कहाँ लगेगा? नहीं डिजाइन अच्छी लग रही है, जाएगा कैसे ऊपर? और इसकी तो हालत बुरी कर दी पुराने सोफे की, देखो क्या हालत कर दी ये पुराना सोफा। इसका तो चेंज होगा, ये तो सब ड्राई क्लीन होगा। अच्छा गद्दे वगैरह, अच्छा ये उसके लिए आया शायद, ये सोफे वगैरह के लिए कुशन आ गए। और स्पॉन्जी वाला है ये तो। भाई साहब ये तीन चार दिन में कैसे खत्म होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सारी कॉल लग रहा है ये आठ दिन में भी हो पाएगा। गाइस यार आपके अभी आने तो तारीख जी लगाएंगे, अंकल आंटी देंगे। मैं कह रही हूं फेविकॉल डब्बी में भर के ले चलते हैं। गाइस इसका टारगेट मैं बनूंगा सीधे सीधे, मुझे काम करवाना कैसे भी। मुझे लग रहा है कल से मैं खुद भी आ जाऊं यहीं पर, आओ करवाओ दो चार माल इधर उधर, मैं भी कर लेता हूँ साथ में आपके ना, और जल्दी कर लेंगे काम। अरे आज तो भी आई है। किसको मिलना है आपसे? हेलो हेलो हेलो, ये हमारी सबसे छोटी सब्सक्राइबर। कहाँ जाके आ रहे हो? हम लोग तो आप इधर ही घूम रहे थे, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ये कॉस्ट्यूम और ये कॉस्ट्यूम, ये शादी से आ रही है। अच्छा। ये हमें अभी चिढ़ा दी गाड़ी के। अच्छा। इतने सारे जूस पिए, ये पिया वो पिया, हम ये आइसक्रीम खाते खाते थक गए। अच्छा। और बस और ये बच्चे। हाँ तो ये तो तीनों बच्चे मिले ना, ये शैतान है बिल्कुल। देख लिया सोफे का सारा सामान आ गया, सामान आ गया, तीन दिन में कैसे कंप्लीट होगा पूरा? अभी देखो जादू, देखो आप जादू हो। गाइस इन्होंने हिम्मत दे रखी है और मेरी इनकी हिम्मत लेके मैं आगे आंटी और अंकल को सबको जवाब दे रहा हूँ। अरे टेंशन मतलब तीन दिन में ओवर कमिट करते हो आप, कार्ड बनवा दिए, छपवा दिए, यूट्यूब पे डाल दिए। प्रेशर है मेरे ऊपर। अब देखो 12 बजे तक आ, इनके देखो सफेद दाढ़ी हो गई, टाइम करते करते उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई, कटवाने का टाइम नहीं मिल रहा, कटवाने का टाइम नहीं मिल रहा इन लोगों को। यार अपने सोफा नीचे तो बनवा लिया, ऊपर जाएगा कैसे? ये ले जाएंगे आदमी अपने पास, लाइट्स वगैरह सब आई गई है। आज पूरा दिन आपके नाम पे रहा हमारा, कुछ भी काम नहीं हुआ दूसरा। ये तीन दिन हमारे नाम पे कर दो, पूरा क्लीन कर दो, पूरा आपके नाम पे। पेंट भी स्टार्ट हो गया ना? हाँ हो गया, पेंट स्टार्ट हो गया, क्लीनिंग वगैरह भी कर रहे हैं हम लोग, आज काफी क्लीनिंग हुई है यहाँ पे। तो चलो ऊपर चलते हैं फिर एक बार। क्या क्लीनिंग क्लीनिंग हुई है? क्लीनिंग के बाद इतना लगता है ये यहाँ नहीं स्टार्ट हुई अभी, क्लीनिंग ऊपर नहीं करी होगी ना। हाँ तो एक सीटों का कलर ग्रीन कलर का हो गया। ओ बाप रे, तो बहुत गंदा हो गया यहाँ भी नहीं हुई क्लीनिंग। तो गाइस सो ये क्लीनिंग के बाद हमारा घर कुछ ऐसा लग रहा है। ओके सर चलो निकलते हैं हिम्मत करके। हाँ ठीक है, कल वापस आता हूँ रात को। हाँ। रोज रात को आऊंगा मैं, कल रात को अपडेट मिलेगा आपको। ये बात तो हुई है, मतलब इतना तेज काम मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार होते हुए देखा है। मतलब कभी सात लोग काम कर रहे हैं, कभी पांच लोग कर रहे हैं, पूरी रात को एक एक बजे तक कर रहे हैं, मतलब फुल लॉन्च। जितनी तेज खेच सकते थे ना हम लोग उतनी पूरी कोशिश करिए, क्योंकि डेडलाइन थी कि इतनी तारीख को मुहूर्त होगा ही होगा, तो वही सीन है। इसलिए ज्यादा तो टेंशन में आ गए जब आपने कार्ड बंटवा दिए, और कार्ड बंटवा के यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया।
26 तारीख को फंक्शन है। देखो अब तो अगर रेडी नहीं हुआ तो जैसे ही इनको रखेंगे सुबह से लेकर रात तक यहीं पर 26 ठीक है 25-26 सब डेट को है ना। काम कैसे खत्म नहीं हुआ इनसे बात करो, काम तो ये बाकी कैसे रह गया अरे इनसे बात करो। हाँ ये खड़े रहेंगे सबको जवाब देते रहेंगे। मैं ये जवाब दूंगा हमने टाइम पे काम कम्प्लीट कर दिया, ये हम तो ओवर कमिट भी पूरे कर देते हैं। डन हो जाएगा जैसे अब जैसे ना अचानक से अब अभी देखो हम फैमिली फंक्शन में गए थे, फैमिली डिनर पे गए थे, वाइफ बाहर गाड़ी में बैठी हुई है, फिर भी हम यहाँ आए फटाफट सबको मैनेज कर रहा है तो काम भी पूछा है हो जाएगा। अभी तो हम लोग खुद भी रात को 11 बजे यहाँ पर आए, इनसे मेरा मिलना होता है रात के टाइम, सब सो जाओ अपने, फिर हम लोग काम देखते हैं ये हो गया ये हो गया ये कैसे होगा वो कैसे होगा, अंकल को झूठ बोले कि सच बोले। चलो गाइस अभी चलते हैं वापस से फ्लैट पे, अंकल आंटी से बात करते हैं। भाई ओके जमको चोर को ही भाई आज तो बहुत ही सोने लगी। प्लीज यार और ये क्या मेकअप मुकअप करवा रखा है भाई? अरे मीकू तो क्या मस्त रियल एक्टिंग करती है, बोले तो इसका पर्स देख लो, पर्स भी दिखा दे भाई। ओ भाई मम्मी आधे घंटे में तैयार हुई ना, मेरा लोई पी गई पी गई होगी, ये मानती ये बात मैं मानती हूँ। खाली किया मेकअप तू नहीं किया होगा तो और क्या, मेरे कौन ही करेगा भाई, ये खुद तो कर लेती है, इतना बुरा करती है भाई साहब, इतना बुरा करती है कि बिना मेकअप के बहुत सुंदर लगती है। बढ़िया था मेकअप कैसी रही शादी, मस्त मजा आया। पता सब लोग क्या बोल रहे थे, मिक्कू की क्या रियल एक्टिंग है और अंकल कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं बोले। मैंने कहा अमी पागल है, मतलब अगर कोई मेरी तारीफ करता है वो तेरे से बर्दाश्त नहीं होती है, सहन नहीं होती इनसे है। ये देखो आज आज वहां गए थे ना, वहां गए थे ना गांव गए थे, एक दो मेरी भी ये भी पहन जाते क्या चीज मुझे। और यार पहले याद दिलाता ना यार ये। और क्या यार, अरे तू मैं तो तू तो इसको यूं अंदर रखता है छुपा के, मैं इसको यूं बाहर लगाता यूं। चलो गाइस बाय, चले चल लो के जाओ जाओ सो, अब कल तैयारी करेंगे बाकी आगे की होगी आज की तो सारी, अब चलो घर जिम है आज तो जिम रहा जो तो पचा लिया पहले। यार खाना तो मस्त बनाया, खाना अच्छा खाना बढ़िया बनाया। चलो गाइस ये व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं, बाकी अपडेट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देते हैं। बाय बाय।